के बारे में जानेंगे। यह है रिले, जो इस टाइप का दिखता है रिले। तो अभी रिले में क्या क्या होता है देखिए। यह है रिले केस, यह है बेस, ठीक है, यह है उसका हैंडल, यह है एक लॉकिंग रॉड दिया जाता है। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है रिले का, यहाँ पे लिखा होता है देखिए। यह है सीजी, यह कंपनी मेक है, कम्प्टन गिब्स का, देखिए लिखा होगा कम्प्टन गिब्स, ठीक है। ये स्टाइल क्या है, यहाँ पे स्टाइल क्या है, QNN1, ठीक है, यह है इसका स्टाइल QNN1 स्टाइल। अभी कंटेक्ट क्या है, ये डबल एन मतलब ट्वेन रिले है। कंटेक्ट क्या है, इसका है LH, लेफ्ट हैंड में 4F4B, 4 फ्रंट कंटेक्ट और 4 बैक कंटेक्ट, राइट हैंड साइड में 4 फ्रंट कंटेक्ट 4 बैक कंटेक्ट, और बाकी जो है डेड कंटेक्ट वगैरह ये सभी है। अभी ये देखो, ये है आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, वो सभी कंटेक्ट दिख रहा है। ये जो केबल टाइप का, ये प्लेट टाइप का दिख रहा है, ये सभी कॉन्टैक्ट है। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आज बताने जा रहा हूँ कैसे क्या होता है। ये हो गया आपका रिले बेस, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, सामने से देखो साइड से ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसके बाद ये जो रॉड दिख रहा है, यहाँ पे जो रॉड दिख रहा है लोहे का, यह है आर्मेचर, ठीक है। इसके बाद एक स्प्रिंग टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुशर स्प्रिंग, PUSHER, पुशर, पुशर स्प्रिंग। इसके बाद आता है ये ऊपर वाला, इसका कंटेक्ट ऊपर वाला जो है, यह है फिक्स्ड कंटेक्ट, और नीचे में लोअर साइड में यह है फिक्स्ड कंटेक्ट, और यह है मूवेबल कंटेक्ट, ये नीचे वाला जो है मूवेबल कंटेक्ट, और इसका ऊपर नीचे में ऊपर वाला है मूवेबल कंटेक्ट, ठीक है। यह कार्बन टू मेटल है, मतलब ऊपर में कार्बन है, नीचे में देखो मेटल है, ऊपर में कार्बन नीचे में देखो मेटल है, ठीक है। यह है आपका, ये जो है, यह है फिक्स्ड बैक कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यह है फिक्स्ड फ्रंट कॉन्टैक्ट, यह है मूवेबल फ्रंट कॉन्टैक्ट, नीचे वाला जो दिख रहा है यह है मूवेबल फ्रंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये ऊपर में जो दिख रहा है यह है, ऊपर में जो दिख रहा है यह है मूवेबल बैक कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो ये आर्म दिख रहा है लोहे का प्लेट टाइप का, ये जो यह है मूवेबल आर्म, ऑपरेटिंग आर्म बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग आर्म, इसको ऑपरेटिंग आर्म बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एडजस्टमेंट कार्ड, एडजस्टमेंट कार्ड कौन सा है, ये सामने वाला एडजस्टमेंट, मतलब ये फ्रंट कॉन्टैक्ट बैक कॉन्टैक्ट को एडजस्ट करने के लिए ये दिया जाता है, मतलब कितना दूरी में, कितना नज़दीक। ये थोड़ा कभी कभी क्या हो जाता है, जब गर्म का मौसम आता है तभी कुछ आगे पीछे हो जाता है, या ठंडा का मौसम होता है आगे पीछे होता है, तो तभी ये थोड़ा एडजस्ट करके सामने पीछे करने के लिए ये दिया जाता है। अभी ये जो लोहे का रॉड दिख रहा है, इसके सामने एक तो पिन होगा, देखिए पिन दिख रहा है एक लोहे का, ये इसके सामने एक पिन दिख रहा है, ये है रेसिडुअल पिन, इसको बोलते हैं रेसिडुअल पिन, ठीक है। उसके बाद ये जो कवर है ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट कवर बोलते हैं, और ये तो हैंडल बता दिया आपको, और ये जो है ये पीछे में जो, इसको बोलते हैं हिल पीस, ठीक है, ये जो गया है इसको हिल पीस बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो रिले का ये है सामने से जो बेसिक है, ये है सामने का हिस्सा, अभी थोड़ा पीछे का हिस्सा आपको दिखा देते हैं।
ये है पीछे का हिस्सा, पीछे थोड़ा अंधेरा है तो दिख नहीं पाएंगे ठीक से, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। देखिए इसमें शायद आपको दिखेगा कुछ, नंबरिंग किया गया है 1, 2, 3, 4 करके 8 तक, ठीक है। ये 8 यहाँ पे है और नीचे R1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, R1, R2 ये सप्लाई के दिया जाता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्चुअली ये ट्वाइन रिले है, तो इसमें R1, R3 रहेगा इधर, एक्चुअली ये ट्वाइन रिले है तो इसमें R1, R3 है, यहाँ पे R2, R4 है, सॉरी गलत बताया, ट्वाइन रिले बोल रहा हूँ, यहाँ पे R1 रहेगा, यहाँ पे R2 रहेगा, यहाँ पे R3 रहेगा, यहाँ पे R4 रहेगा, ठीक है। 1, R1, R2 ये सप्लाई के लिए, ये R3, R4 ये भी सप्लाई के लिए, तो यहाँ पे नेचुरली 24 वोल्ट यूज़ होता है। और बाकी जो है वहाँ पे ऊपर में देखिए ए दिख पाएंगे कि नहीं पता नहीं, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, ऊपर में यहाँ पे 4 करके स्लॉट है, A, B, C, D, इसको हम लोग जब वायरिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग इसको नेचुरली रेलवे का सिग्नलिंग टर्म में ए में अमेरिका, बी में बॉम्बे, सी में कलकत्ता, डी में दिल्ली, ऐसे नाम से पुकारते हैं, ताकि जो मतलब सुनेगा उसको आसानी है, आसानी होगा, क्योंकि हाँ चलो अमेरिका बोला तो सही है, अगर आपको बोला जाएगा कि A1, A2, A3 तो आप सुनने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए ऐसे नाम से पुकारते हैं। ये बाकी जो ये है यहाँ पे वायरिंग होता है, किसमें वायरिंग होता है, ये सभी आपका जिसमें वायरिंग होगा वो आपका सर्किट प्लान फॉलो करते हुए ये वायरिंग होता है। तो यही है डिले, नची 24 वोल्ट। अब कभी कुछ कुछ डिले जैसे सीमेंस का के सीरीज डिले होता है, वो आपका 50 वोल्ट ऑपरेशन होता है। और अगर आप सीमेंस का वेस्टेस EI सिस्टम देखेंगे तो उसमें भी आपको 50 वोल्ट का ही डिले मिलेगा ज़्यादातर, और ये दूसरा सिस्टम है तो इसलिए यहाँ पे 24 वोल्ट यूज होता है। और RRI सिस्टम में भी मैक्सिमम केस में 24 वोल्ट डिले यूज होता है अभी का हालत में, पहले तो सीमेंस का के टाइप यूज होता था बोल के 50 वोल्ट है। तो ये सप्लाई के लिए 2 वायर चला गया, और बाकी है कॉन्टैक्ट के लिए, कौन सा कॉन्टैक्ट मेक होगा पेक होगा वो अभी दिखाएंगे, मेक ब्रेक कैसे होता है अभी देखिए, मेक ब्रेक किसको बोलते हैं। ये देखिए ऊपर में 2 लगा हुआ है, देखिए ऊपर में ये 2 लगा हुआ है, सटा हुआ है, ये भी सटा हुआ है, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है, ये सटा हुआ है मतलब ये अभी पिकअप है डिले, और बैक कॉन्टैक्ट देखिए सटा नहीं है, देखिए इसके बीच गैप है, इसके बीच भी गैप है, तो ये ड्रॉप है, बैक कॉन्टैक्ट अभी ब्रेक है, ठीक है। तो ये फ्रंट कॉन्टैक्ट, ऊपर वाला को फ्रंट, नीचे वाला को बैक बोलते हैं। फ्रंट अगर मेक होगा तो इसको हम लोग रिले को पिकअप बोलेंगे, और बैक अगर पिकअप होगा, बैक अगर मेक होगा तो उसको हम लोग ड्रॉप बोलेंगे। अभी इसी टाइप का एक रिले हम पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बैक मेक है, बैक कॉन्टैक्ट मेक है, ऊपर में देखिए फ्रंट कॉन्टैक्ट ब्रेक है, तो इसलिए हम लोग ये रिले को ड्रॉप बोलेंगे। अभी ये डिले अभी ड्रॉप कंडीशन में है, और ये वाला डिले देखिए फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक है तो ये अभी पिकअप में है, और इसका नाम भी होता है डिले का, हर एक अलग अलग नाम होता है डिले का, जैसे कि यहाँ पे HECR 11 HECR, ये येलो इंडिकेशन के लिए दिया जाता है, सिग्नल में जो येलो लैंप है उसके लिए ये डिले यूज हुआ है। तो 11 नंबर सिग्नल का HECR, H मतलब येलो, R मतलब रेड, ये TPR मतलब ट्रैक प्रूविंग डिले, ये ट्रैक सर्किट के लिए यूज होता है। उसके बाद DECR ये है आपका ग्रीन इंडिकेशन के लिए, 11 नंबर सिग्नल जो दिखाया है उसमें आपका ग्रीन इंडिकेशन के लिए ये दिया जाता है। और डबल H रहेगा तो वो होगा, यहाँ पे देख लीजिए HECR, ये डबल येलो के लिए दिया जाता है, ये वाला डिले डबल येलो के लिए यूज हुआ है। तो ये है डिले का बेसिक चीज, तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।